इंदौर महापौर और निगम के 85 वार्डों में से 64 वार्डों में हुई जीत के बाद भाजपा काफी उत्साहित है। इसी कड़ी में 5 अगस्त को नवनिर्वाचित महापौर पुष्पमित्र भार्गव व सभी चुने हुए पार्षदों का शपथ समारोह रखा गया। आयोजन अभय प्रशाल में होगा। कार्यक्रम में पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आने की सहमति दी थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते उनके शामिल होने को लेकर संशय है। इसी के तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी विदेश में हैं और इसी के चलते वे भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हो सकते हैं और 8 अगस्त को निर्वाचित महापौर व पार्षदों का प्रथम सम्मेलन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें निगम सभापति का निर्वाचन होगा और इसके साथ ही अपील समिति के सदस्यों का निर्वाचन भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 10 दिनों से शपथ समारोह की अटकलें चल रही थी और इस बीच महापौर भार्गव ने भोपाल में मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की थी और इस दौरान संकेत दिए थे कि 4 अगस्त के बाद इंदौर में शपथ समारोह का आयोजन होगा। इस बीच 1 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री के इंदौर में कार्यक्रम के बाद अब 5 अगस्त को शपथ समारोह के लिए सहमति बनी है। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे ने बताया कि बारिश के मद्देनजर इस बार समारोह अभय प्रशाल में रखा गया है। कार्यक्रम में सभी 85 पार्षदों को शपथ दिलाई जानी है, लेकिन इसमें वार्ड 22 से निर्वाचित पार्षद राजू भदौरिया जेल में होने से शामिल नहीं हो सकेंगे। चुनाव के दौरान अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी चंदू शिंदे पर हमले के आरोप से वे जेल में हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस भदौरिया के लिए 3 माह का समय ले सकती है। तो उधर मंगलवार को भाजपा कार्यालय पर सभी विधायकों व कोर कमेटी सदस्यों को लेकर इसे लेकर बैठक ली गई। इसमें आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए।